हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज ये वीडियो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड बनाया गया है कि बैक प्रशिक्षु जो है, जिसकी रिजल्ट में फेल लिखा रहा है, जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो यूपी टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर वो यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो किस बेस पर देंगे, कौन से सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाएं, या जो बैक पास प्रशिक्षु है वो किस सेमेस्टर के लेकर जाएं, और साथ साथ डीएलएड के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके 9 से 18 फरवरी तक प्रस्तावित है, क्या वो अपने समय से हो पाएंगे, ये भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो टीईटी की परीक्षा है, यानी यूपी टेट की परीक्षा है, इसके बाद शिक्षक भर्ती का भी आंदोलन जारी होगा। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या 2019 बैच सुपर टेट दे पाएगा? तो इन सभी का जवाब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कर देना, और चलिए देखते हैं। टीटी परीक्षा के बाद तेज होगा शिक्षक भर्ती आंदोलन। तो टीटी परीक्षा के बाद युवा मंच कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, करने को लेकर आंदोलन भी तेज कर दिया है, यानी पहले भी किया था, अभी भी चला हुआ है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रदेश सरकार निशाने साधते हुए कहा कि जब महज 7,000 अभ्यर्थियों वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा का कोविड की वजह से स्थगित किया जा सकता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, शैक्षिक संस्थान पहले से ही बंद है, ऐसे में सरकार लाखों युवाओं की जिंदगी को खतरे में डालकर टीटी कराने की जिद पर अड़ी है। अगर टीटी परीक्षा कराने की जिद पर सरकार अड़ी है तो प्रदेश के युवा भी टीटी के बाद 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए आंदोलन को तेज करेंगे। कल पीएनपी सचिव ने एक विज्ञप्ति भी जारी की थी, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने, जिसमें बताया गया था कि यूपी टेट के जो दिशा निर्देश है वो बताए गए थे, 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएंगे, और एक आईडी और किसी भी सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जो डाइट या कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं से भी अटेस्टेड हो जानी चाहिए। अगर आपने पहले से ये टेस्टेड करा रखी है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं डीएलएड के एग्ज़ाम की, जो आपके 9 से 18 फरवरी तक पीएनपी ने बोला था कि आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, लेकिन 10 फरवरी से आपके चुनाव भी स्टार्ट है, ऐसे में नहीं लगता कि आपके समय से पेपर हो पाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी मेंस, यूपी ट्रिपल एससी, इन तरीके के बड़े बड़े एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहे हैं, तो पीएनपी तो पहले ही अपना एग्ज़ाम समय से नहीं करा पाती। तो अभी जो आपका एग्ज़ाम की जो डेट है 9 फरवरी, अगर उसको एग्ज़ाम होते हैं तो 3 से 4 दिन में आपकी डेट शीट देखने को मिल जाएगी, कि जैसे 9, 11, 12 फरवरी को आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, 13, 14, 15 को सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के होंगे, इस तरीके से आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी जल्दी ही, अगर आपके 9 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने होंगे। तो क्या 2019 बैच सुपर टेट दे पाएगा? तो जो क्लियर प्रशिक्षु है, जिनके फोर्थ सेम के पेपर भी हो चुके, वो पास हो चुके, उनके पास सभी सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका, वो सुपर टेट दे पाएंगे। 17,000 या 97,000 जो भी भर्ती आएगी, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड, इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित
और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है, और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है, और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा आप विश्लेषण चार्ट देख पाएंगे, इसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैटर की अगर बात करूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं, और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर 15 आपको सोल्व प्रैक्टिस सेट भी इसके, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें मिल जाएंगे बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सभी क्वेश्चंस। तो ये थी आपकी स्टेट के लिए रिकमेंडेड बेस्ट बुक।